सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट अकाउंट डिलीट कैसे कर सकते हो, परमानेंटली कैसे करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऑर्डर्स विज लिस्ट और यहाँ पर ओपन हेल्प सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर की साइड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको और काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। आई वॉन्ट काफ़ी ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई वॉन्ट टू हेल्प इन अदर इशू, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से और ऑप्शन शो हो जाएंगे, उसमें आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्वायरी, इन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगेन काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आई वॉन्ट टू डीएक्टिवेट माई फ्लिपकार्ट अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा टू डीएक्टिवेट अकाउंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्लिपकार्ट को लॉगिन करना पड़ेगा, गो टू अकाउंट माई अकाउंट में जाना, सेटिंग में जाना, डीएक्टिवेट में जाना, पासवर्ड डालकर आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से छोटा सा एक आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह इनका शो हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि फ्लिपकार्ट से आप अपना अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते हो फ्लिपकार्ट ऐप से। आप अगर कस्टमर केयर वगैरह को कॉल करते हो तो उनमें चांसेस है कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाए, उसके अलावा फ्लिपकार्ट अकाउंट डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना।